हाय एवरीवन, मैं अनीता। स्वागत है आपका तड़का विद ट्विंस में। आज मैं आपको सूजी का हलवा बनाना बताऊंगी। सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी और एक कटोरी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची। अब हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें भर के 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी अच्छी तरह से गरम हो जाए तो उसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी को घी के साथ अच्छी तरह चलाते हुए भूनें। इसको लगातार भूनते रहना है। सूजी को भूनने के लिए गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। सूजी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। एक अच्छी सी खुशबू आ जाए तो इसमें हम पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से सूजी को पानी के साथ चलाते रहेंगे ताकि कोई गांठ सा ना बने। सूजी में पानी का जो माप है, एक कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी पानी होगा। अब इसमें मैं चीनी मिला दूंगी और चीनी को भी सूजी के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। 1 से 1.5 मिनट में चीनी घुल जाएगा, तब तक चलाएं। उसके बाद इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। हलवा में इलायची पाउडर से फ्लेवर अच्छा आता है। और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट से हलवे का स्वाद और बढ़ जाता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैं बचा के रख लूंगी गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, टोटल हलवा बनाने का जो टाइम लगता है वो 8 से 9 मिनट लगा, क्योंकि इसे मीडियम गैस पे रख के भूनना है तो ताकि धीरे धीरे भुने और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसमें घी भी डालते रहें। घी डालने से हलवे का स्वाद और बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारा हलवा बनके तैयार है। इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट डाल दें। फ्रेंड्स, लग रहा ना डिलीशियस? आप भी झटपट जब मीठा खाने का मन हो तो घर में सूजी का हलवा बनाएं और फ्रेंड्स को, परिवार को खुद भी खाएं और एंजॉय करें। वाओ, क्या दानेदार सूजी का हलवा बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।